पाकिस्तानी बाज रिएक्शन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, आबाद होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है जवाद और मैं हुसैन। तो आज की वीडियो का टाइटल है होली फेस्टिवल इन इंडिया। अच्छा अच्छा। एंड जो टोमेटो फेस्टिवल है वो स्पेन में। अच्छा, जैसे हमारे पास ईद आती है। हाँ बिल्कुल, यही बात। जी 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 जी, जो होली आती है वो स्पेन में टोमेटो टमाटर मार देंगे उधर को। अच्छा, यार अभी देखेंगे, ये देखते भाई टोमेटो बड़ी अलग है, अजीब सी चीज है। देखते टोमेटो वो कैसा फेस्टिवल है, वो कैसा फेस्टिवल, कितने टमाटर आए, कितने करते हैं भाई। हां ये भी देखना नहीं। हां बहुत शुक्र, मतलब बहुत शुक्र लगा होगा वो माहौल होता है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, काम में शुरू करते हैं। 3 2 1। इंडिया में फेस्टिवल्स का बहुत महत्व होता है। अच्छा। फेस्टिवल कुछ अच्छी चीजें दर्शाता है और हमेशा ही अच्छाई की बुराई पे जीत होती है, ये सिखाता है। लोगों के त्योहार होली भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही फेस्टिवल है। इंडिया में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। एक स्पेनिश फेस्टिवल है जिसे यूरोप में मनाया जाता है। इसका नाम है ला टोमेटिना फेस्टिवल। इसमें हिस्सा लेने वाले लोग पके टूटे टमाटर एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। दूर से देखने पर ये बिल्कुल इंडियन फेस्टिवल होली की तरह ही लगता है, लेकिन इन दोनों में कुछ बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं दो फेस्टिवल्स के बारे में बताऊंगी, तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप अच्छाई की बुराई पर जीत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है जो इंडियन स्क्रिप्चर्स में दिखाई देती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने एक बार राक्षस राजा हिरण्यकशिपु के भाई का वध कर दिया था। उस वक्त वो स्वर्ग, धरती और पाताल लोक पर राज करना चाहते थे। उसे एक वरदान दिया गया था जिसे उसे लगा कि कोई इसे हरा नहीं सकता। वह सभी से कहने लगा कि दूसरे भगवान को छोड़कर मेरी पूजा करो, लेकिन हिरण्यकशिपु का अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। ये देखकर एक बार हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद के साथ आग में बिठवा दिया। उसकी बहन को वरदान था कि आग की लपटें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन आग के खत्म होने के बाद देखा गया कि उसकी बहन जलकर राख हो गई थी और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ था। इसीलिए भी होली के एक दिन पहले होलिका को जलाकर बुराई पर जीत को दर्शाया जाता है। माना जाता है कि होली में कलर्स का यूज करना कृष्ण भगवान ने शुरू किया था, जब उन्होंने राधा के ऊपर पानी और कलर फेंका था। तभी से होली का त्योहार हर जगह धूम से मनाया जाता है। वही अगर ला टोमेटिना फेस्टिवल की बात करें तो इसकी शुरुआत 1945 में हुई थी, जब कुछ यंग लोगों ने एक परेड में हिस्सा लिया था। कहानी के मुताबिक परेड में जा रहे बड़ी झांकियों पर कुछ यंग म्यूजिशियंस परफॉर्म कर रहे थे, तभी किसी ने धक्का देकर एक आदमी को नीचे गिरा दिया। अच्छा। उस आदमी ने गुस्सा होकर वेजिटेबल स्टॉल से टमाटर लिए और सभी के ऊपर फेंकने लगा। अच्छा। ये हुआ कि सभी लोग एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंकने लगे। अब ये एक ट्रेडिशन टाइप बन गया है, हर साल सभी लोग साथ आते हैं और मजे के लिए एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंकते हैं। होली का फेस्टिवल मोस्टली 2 days के अंतर्गत में मनाया जाता है। पहले दिन रात में लड्डू से होलिका जलाई जाती है और म्यूजिक और डांस भी होता है, जो शुरुआत को भी दर्शाता है। इसके बाद अगले दिन सुबह उठकर अपनी फैमिली को कलर्स लगाए जाते हैं और अपने दोस्तों को भी बाहर जाकर कलर्स लगाए जाते हैं। इसके साथ ही म्यूजिक और डांसिंग भी होती है। कई जगहों पर शराब भी पी जाती है जो कि एक तरह का नशीला पदार्थ है। इस फेस्टिवल में दोस्त दुश्मन सभी अपनी परेशानियां सुलझा लेते हैं और साथ में मजे करते हैं। वही ला टोमेटिना फेस्टिवल के तरीके से मनाया जाता है। सबसे पहले तो सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, उसके बाद बड़े बड़े ट्रक्स में टोमेटोस को लाया जाता है। पके हुए टोमेटोस को नीचे गिरा दिया जाता है और सभी लोग उन टोमेटोस को स्क्वीज करके एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगते हैं। ये फेस्टिवल कई जगह पर तो पूरे वीक चलता है। हर दिन करीब 1 घंटे तक इसे खेला जाता है। नंबर 3 व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड, माना जाता है कि उस आदमी के गुस्सा सभी के ऊपर टमाटर फेंकने वाला एक्सीडेंट अगस्त के लास्ट वेडनेसडे को होता है। इसीलिए ला टोमेटिना फेस्टिवल भी अगस्त के लास्ट वेडनेसडे को मनाया जाता है। वही होलिका फेस्टिवल हिंदू कैलेंडर के मुताबिक लेट फरवरी या मार्च में मनाया जाता है। नंबर 4 टाइप्स ऑफ होली इन डिफरेंट स्टेट्स, इंडिया के हर स्टेट में अलग अलग टाइप्स की होलीज मनाई जाती है, जैसे कि बारसाना की लाथमर होली, मथुरा वृंदावन की फूलों की होली, उदयपुर की रॉयल होली,
हिमाचल प्रदेश की संगला होली और वेस्ट बंगाल की कल्चरल होली। नंबर 5, हाउ मच टमेटोज इज यूज्ड। आपने गेस कर ही लिया होगा कि ला टोमेटिना फेस्टिवल में बहुत सारे टमेटोज का इस्तेमाल होता है। माना जाता है कि करीब 120 मेट्रिक टन टमेटोज इस फेस्टिवल में बर्बाद किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगला वीडियो आप किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं यह हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। जितने भी है हमारे, जब ईद होती है एक दूसरे को चलो जी नमाज भी खत्म करो, मिलो जुलो, ऐसे होली भी मतलब इस कलर लगाते हैं, मतलब अपना प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं। कलर जबरदस्त। और स्पेन में ये टमाटर वाला काम, टमाटर वाला यार वो 120 कितने 120 मीटर टन कितना क्या कहते हैं वो टमाटर जाया होते हैं टमाटर साल में हैं। तो यार इतना टमाटर पे मतलब जाया कार के नुकसान ही डालना है एक तरह का। बिल्कुल बिल्कुल यार वो, लेकिन वो एक अलग बात है, वो उनका फेस्टिवल है, वो खुशी मनाते हैं, लेकिन उस तरीके से देखें टमाटर कितना जाया होता है। जाया तो होता है, सही बात है, कितना ही टमाटर वो तो चलो खुश हो जाते हैं, खुशी से करते हैं, चलो खुशी से मनाते हैं, ठीक है मनाएं, लेकिन टमाटर की जगह कोई और चीज़ यूज़ करें वो अलग बात है। अभी होली में कलर यूज़ हो रहा है, कलर तो फिर अगर जाए भी होगा तो उसको टेंशन की बात नहीं है, कलर लग गया फिर धुल गया जाए हो गया ठीक है खत्म। टमाटर एक काम आने वाली चीज़, ये तो बिल्कुल एक काम आने वाली चीज़ है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो काम आती है, बहुत उसको फिर ज़ाया करना फिर अपना ही नुकसान है। तो चलो आज वीडियो यहाँ पर तुम करते हैं, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। बाय।